नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी कुमरावा इंटर कॉलेज बीकेटी लखनऊ से एक बार फिर आप सब लोगों के साथ अपनी अगली क्लास को लेकर प्रस्तुत हूं। बच्चों, आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के भाग तीन के साथ में अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले ये देखें कि आज हम अपनी इस क्लास में किन किन विषयों पर, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, मैंने आपसे जैसा कहा, सबसे पहले हम लोग एक पूर्वावलोकन करेंगे। पूर्वावलोकन में हम लोगों को देखिए पूर्व में चर्चा का पुनः अवलोकन होगा, फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से प्राप्त ग्राफ पर आधारित प्रश्न होंगे, उसकी प्रकृति पर आधारित हम लोगों ने इसकी विस्तृत रूप से चर्चा की थी। बच्चों, आज हम कुछ इससे संबंधित और भी प्रश्न करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में थोड़े से पूछे जा सकते हैं अलग तरह के, और फिर हम कुछ शाब्दिक समस्याओं के प्रश्न हल करेंगे। अर्थात अभी तक हमने जिन तरह के प्रश्नों को हल किया बच्चों, उसमें समीकरण दिए रहते थे और हमसे जिस विधि का प्रयोग करके हल करने को कहा जाता था, हम उस विधि का प्रयोग करके प्रश्न को हल करते थे। शाब्दिक प्रश्नों में बच्चों हम लोगों को समीकरण बनाना होगा, उसके पश्चात हम उसको हल करेंगे। जब ये प्रश्न बच्चों आते हैं शाब्दिक प्रश्न के, तो यहां पर किसी भी विधि को नहीं लिखा जाता है कि इस विधि से प्रश्न को हल करना है। ये प्रशाब्दिक समस्याएं होती हैं जिसको समीकरण के रूप में हम लोग परिवर्तित करते हैं, और परिवर्तन के पश्चात उसको जिस विधि से आपको सुलभता हो, सुगमता हो, उस विधि से आप उस समीकरण को हल करेंगे। तो बच्चों आइए पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अपनी पिछली दो क्लासेस में हमने जो कुछ भी सीखा है उसका जल्दी से एक रिवीजन, और उसके बाद उस पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ क्लास आगे बढ़ेगी। देखिए बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले यह पढ़ा था कि रैखिक समीकरण क्या होते हैं। तो मैंने आपसे बताया था कि दो चर x और y जिसके साथ में घात कितनी होनी चाहिए, रैखिक के लिए क्या जरूरी है, रैखिक के लिए क्या आवश्यक है, कि घात एक होनी चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया था, इस रूप में जो समीकरण लिखा जाए ax प्लस बीवाई प्लस सी बराबर जीरो, इस रूप में जो समीकरण लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं रैखिक समीकरण। और इसमें हमने एक मुख्य बात आपको बताई थी कि a को जीरो नहीं होना चाहिए और b को भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसी बात को हम एक और अन्य रूप से लिख सकते हैं कि इन दोनों के वर्गों का योग शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी a और b दोनों शून्य नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, फिर हमने इस समीकरणों को हल करने के लिए रैखिक युग्म जब ऐसे दो समीकरण दिए जाते थे, आपको याद दिलाऊं, a1x plus b1y plus c1 बराबर 0 एक समीकरण, और जब इसी प्रकार का एक और समीकरण हमको दे दिया जाता है तो हम उसे समीकरण युग्म कहते हैं। और इनको हल करने की बच्चों हमने एक ग्राफीय विधि सीखी थी और एक बीजगणितीय विधि सीखी थी। इन दोनों विधियों को हमने प्रश्न हल किए थे, और बीजगणितीय विधि में हमने तीन मेथड्स बच्चों सीखे हैं। कौन कौन से सीखे थे बच्चों? पहला हमने सीखा था प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा हमने किया था विलोपन विधि, जिसे हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा हमने किया था बच्चों वज्रगुणन विधि, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने इन तीन विधियों से प्रश्नों को हल किया था, आज भी हम कुछ इससे प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने जिस बात को देखा, अगर हमारे पास दो समीकरण निकाय हैं, तो हमने आपसे बताया था कि इन समीकरण निकायों के हल हमको प्राप्त हो सकते हैं। बच्चों जब हल हमें प्राप्त होंगे तो हमें कितने तरह के हल होंगे, सबसे पहले बच्चों जो ध्यान देने वाली बात है, मैंने आपसे कहा था कि इन दो समीकरणों से हमको हल प्राप्त होगा या नहीं होगा। यदि हल प्राप्त है तो ये समीकरण निकाय कैसे हो जाएंगे, संगत हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे बच्चों, संगत। और अगर हल नहीं मिलेगा तो ये कैसे हो जाएंगे, असंगत। ग्राफ विधि से हमने इस बारे में जब चर्चा की थी तो इसका अर्थ मैंने ये बताया था, हल होने का अर्थ ये है कि रैखिक समीकरणों से निरूपित होने वाली जो रेखाएं हैं, सरल रेखाएं, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। यदि वो प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हल है। इसमें दो स्थितियां मैंने आपके साथ में डिस्कस की थी, जिसमें से पहली स्थिति थी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर प्रतिच्छेद करें, और दूसरी स्थिति थी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ही
दोनों रेखाएं आ जाएं, अर्थात हमने उन्हें संपाती रेखाएं कहा और यहां प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा था, तो ये स्थिति मुझे प्राप्त हो सकती है। इसके लिए मैंने आपको एक प्रतिबंध दिया था कि ये कब होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं कब होंगी, एक बिंदु पे ये एक दूसरे को कब प्रतिच्छेद करेंगी। तो बच्चों ये तभी संभव है जब एक्स दोनों समीकरणों के एक्स का गुणांक और दोनों समीकरणों के वाई का गुणांक यदि उनका अनुपात बराबर नहीं है, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, तभी आप कहेंगे कि ये दोनों समीकरणों से निरूपित होने वाली रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अर्थात इनका कैसा हल होगा, सिर्फ एक ऐसा मान होगा x और y का जो दोनों रेखाओं के समीकरणों को संतुष्ट करेगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। यदि इस वाले पे आएंगे, दूसरा प्रकार जिसमें कि संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, इस दशा में हमें a1 upon a2, b1 upon b2 और साथ में अचर पदों का अनुपात, ये तीनों अनुपात यदि बराबर मिलते हैं तो हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होती हैं, अर्थात दोनों रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चल रही हैं। इसलिए इस दशा में हमें कैसे हल प्राप्त होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, जैसा यहां पर आप देख सकते हैं। और तीसरा केस हमने जो डिस्कस किया था, तीसरी स्थिति जो हमारे सम्मुख थी बच्चों, वो ये थी कि असंगत का, अर्थात जब x के गुणांक y के गुणांक और अचर पदों के अनुपात, ये तीनों अनुपातों को अगर हम निकालें तो ये दोनों तो बराबर हों लेकिन ये c1 upon c2 के बराबर ना हो। इस दशा में इन दोनों रेखाओं से निरूपित, दोनों रेखाएं जो निरूपित हुई हैं वो कैसी होंगी, समांतर होंगी, अर्थात समीकरणों से निरूपित होने वाली रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं। और जब समांतर हैं तो ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इसलिए इनसे क्या होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका अर्थ हुआ यहां पर कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, जिसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। इस केस में हमको किसी भी प्रकार का हल प्राप्त नहीं होगा, ऐसा हमने अपनी पिछली दो कक्षाओं में बच्चों किया है। अब हम अपने प्रश्न पर आते हैं और इससे संबंधित प्रश्न को करते हैं। बच्चों पिछली क्लास में हमने ग्राफ बनाना तो सीखा था, लेकिन ग्राफ को और कितने प्रकार से पूछा जा सकता है इसको देखिए। जैसे बच्चों यहां पर हमने आपको दो समीकरण दिए हैं, एक दिया है हमने आपको x - y + 1 = 0 और दूसरा दिया है 3x + 2y - 12 = 0 और आपसे कहा इन दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो पहला प्रश्न जो आपके इस प्रश्न के अंदर जो पहली चीज पूछी जा रही है वो है कि हल दीजिए, हल करना है, अर्थात हमें ग्राफ की विधि से x y का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, फिर कहा जाता है कि x अक्ष, प्रश्न आगे बढ़ा आपका और अब क्या पूछा जा रहा है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम उदाहरण के तौर पर देखें, मान लीजिए कि ऐसे दो रेखाएं निरूपित होती हैं और ये जो x अक्ष है और ये जो रेखाएं हैं इनसे जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इन दोनों समीकरणों से जैसी स्थिति आएगी हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे इसी ग्राफ की विधि से। तो बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले ग्राफ पेपर ले लें। ग्राफ पेपर पर आप दो अक्ष खींच लें, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष, ये आपने सीखा है बच्चों, ये हम लोग खींच लेंगे। उसके बाद ग्राफ पेपर पर बच्चों आप इसको प्रश्न को हमेशा हल करिए, क्योंकि उस पर हल करने पर आप ज्यादा आसानी से कर पाएंगे और आपके जो मान प्राप्त होंगे वो एकदम सटीक होते हैं। ये 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, इसी प्रकार इधर 1, 2, 3, 4, 5, इसको थोड़ा और बढ़ा लें, 6। इधर ले लीजिए बच्चों -1, -2, -3, नीचे ले लीजिए -1, -2, -3, -4। जब आप बच्चों ग्राफ पे करेंगे तो ये सब बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी ये समान रहेगी, इसलिए ग्राफ पेपर पर ही इस प्रश्न को हल करें। बोर्ड परीक्षा में भी आप ग्राफ पेपर पर ही इसको हल करें, ग्राफ पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में उपलब्ध कराए जाते हैं। अब आते हैं बच्चों पहला समीकरण हमारा x - y + 1 = 0, इसमें यदि हम लोग x को 0 रख दें, अगर हम यहां 0 लिखेंगे तो यहां y प्लस 1 बराबर 0 बचेगा, अर्थात y का मान कितना होगा, 1 होगा। देखिए मैंने लिखा x 0 तो y 1, इसी प्रकार अगर x को हम -1 लिखें तो y 0 आया,
तो हमारे पास दो बिंदु हो गए इस समीकरण के लिए। मैंने बताया था बच्चों आपको कि न्यूनतम दो बिंदुओं से ही हम एक सरल रेखा को बनाएंगे, तो एक सरल रेखा के लिए न्यूनतम कितने बिंदु आवश्यक हैं? दो बिंदु आवश्यक हैं बच्चों। तो हमारे दो बिंदु कौन कौन से हो गए? पहले x निर्देशांक लिखते हैं और फिर y निर्देशांक लिखते हैं। तो पहला बिंदु हो गया 0, 1 और दूसरा बिंदु इसका हो गया -1, 0। अब देखिए 0, 1 मतलब x को 0 लेना है, y 1, तो ये बिंदु होगा, ठीक है बच्चों, ये बिंदु होगा और आप ब्रैकेट में यहां लिख दीजिए 0, 1। दूसरा -1, 0 तो -1 तो यहां हो गया, -1 देखिए यहां हो गया, और y 0 ना ऊपर ना नीचे, तो ये वाला बिंदु आपको मिलेगा, यहां आप लिख दें -1, 0। और इन दोनों को आप स्केल से रख के जोड़ेंगे, जब आप स्केल से रख के जोड़ेंगे तो देखिए आपको एक सरल रेखा यहां पे बच्चों प्राप्त हो जाएगी। और हमने आपसे बताया था जब ये सरल रेखा प्राप्त हो तो आप क्या करेंगे, इस सरल रेखा के ऊपर उस समीकरण को जरूर लिखें, ये आवश्यक है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम दूसरे पे आते हैं। देखिए इस वाले समीकरण में अगर हम y को 0 लिख दें तो क्या मिलेगा आपको, x 3x + 0 = 12, मतलब x का मान 4। तो देखिए x 4 y 0। इसी प्रकार अगर हम x को 0 लिख दें तो y आएगा 6। इसके कौन कौन से दो बिंदु हो गए बच्चों? पहला बिंदु है 4, 0 और दूसरा बिंदु है 0, 6। पहला है 4, 0, दूसरा है 0, 6। अब देखिए 4, 0 हमको कहां मिलेगा, x तो 4 हो गया, यही है, x 4 हो गया, और y कितना, 0, मतलब ना हम ऊपर जाएंगे ना हम नीचे आ रहे हैं, x अक्ष तो अपनी जगह रहा, y अक्ष का मान 0, तो ना हम ऊपर की तरफ हैं और ना हम नीचे की तरफ जाएंगे, यही बिंदु हो जाएगा। और इसको ब्रैकेट में आप लिख दें 4, 0, ऐसे सर्किल कर दें आप इसको, ये बिंदु है, ऐसे आप जो भी बिंदु मार्क करें उसको सर्किल कर लें और अच्छा रहेगा। दूसरा x 0 मतलब 0 पे रहे और y 6 तो हमको ऊपर मिलेगा, यहां हमने सर्किल कर दिया बच्चों, ठीक है। अब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे स्केल से, ये बढ़ा दिया। और इस पे हमने आपसे क्या बताया, फिर मैं कह रहा हूं कि हमें समीकरण जरूर लिखना है, तो हम इसके ऊपर समीकरण यहां पर लिख देंगे, इस रेखा के ऊपर भी समीकरण लिखना होगा हमें, हम लिख देते हैं, क्या है समीकरण, 3x + 2y = 12 या -12 = 0। तो बच्चों सबसे पहले जो चीज हमें प्राप्त हुई वो ये हुई कि यहां पर हमें दोनों रेखाओं ने प्रतिच्छेद किया है, ये हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है। इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हमको चाहिए होंगे, क्या मिल रहे हैं, देखिए यहां से एक लंब आप नीचे खींच दीजिए, तो इसने x को कहां काटा है, 2 पर, और एक लंब आप y अक्ष पे खींच दीजिए, उसने y अक्ष को कहां काटा है, 3 पर, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक क्या निकले, 2, 3। तो ग्राफीय विधि से इस दोनों समीकरणों का हल क्या प्राप्त हुआ, x = 2 y = 3। तो हमारा ये हिस्सा प्रश्न का पूर्ण हुआ। अब दूसरा हिस्सा कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं के बीच, मतलब देखिए ये रेखा इधर आई, ये रेखा इधर आई, फिर मैं थोड़ा सा इसको डार्क कर दे रहा हूं ताकि आप समझें, ये इधर दो रेखाएं और x अक्ष, ये हमारा x अक्ष हो गया बच्चों। अब हम इनका इस त्रिभुज का, आप देख रहे हैं इस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल, इसको नाम कर दें A कर दें, ये वाला बिंदु हमारा क्या हो गया, B हो गया, इस बिंदु को हमने B कह दिया, और ये बिंदु हमारा क्या हो गया, ये C हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाली दूरी कितनी है, 2 है, और यहां से ये दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है, ये 3 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र बच्चों क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 × आधार × लंब, यही होता है, 1/2 base × height। बेस कौन है, बी से लेकर सी तक की दूरी, तो बेस हो गया बी सी, और हाइट इस बिंदु को हम डी ले लें, तो हाइट कितनी हो गई, ए डी, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, तो ये चल रहा है। अब हम बी से सी तक का मान निकाल लें, देखिए ये 0 है बच्चों, और बी के निर्देशांक देखिए मैं लिख देता हूं, बी के निर्देशांक -1, 0 है, सी के निर्देशांक 4, 0 है, और ए के निर्देशांक कितने हैं, 2, 3 है। देखिए ये वाली दूरी 1 हो गई और यहां से यहां तक की दूरी 4 हो गई, अर्थात पूरा बीसी कितना हो गया,
5, तो इसकी जगह 5 आ जाएगा। और AD इसकी ऊंचाई कितनी है, लंब कितना है 3, और 1/2, तो 1/2 गुणे 5 गुणे 3, अर्थात आपका क्षेत्रफल कितना प्राप्त हुआ बच्चों, क्षेत्रफल प्राप्त हो गया 15/2। लेकिन जब आप ये उत्तर लिखें 15/2, तो बच्चों क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का एक मात्रक होगा, तो मात्रक आपको लिखना होगा। और मात्रक आपको याद रखें, जैसे अगर हम कोई आपको मात्रक देते हैं, मीटर देंगे तो वर्ग मीटर लिखेंगे, अगर सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, मिलीमीटर है तो वर्ग मिलीमीटर होगा। हमने यहां आपको ऐसा कोई मात्रक दिया नहीं है और हमें याद नहीं कि ये मीटर है या सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे वर्ग मात्रक। वर्ग मात्रक, जो अंग्रेजी माध्यम के छात्र होंगे वो इसे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। तो कितना क्षेत्रफल, 15/2 स्क्वायर यूनिट। आप चाहें तो ऐसे लिख दें और चाहें तो इसको आप दशमलव के रूप में भी लिख सकते हैं, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारा क्षेत्रफल ग्राफ विधि से निकालने के लिए बच्चों प्रश्न आया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ समीकरण हल करने को नहीं मिलता है, कई बार हम लोगों को समीकरणों को इस ग्राफ बनाने के बाद उससे बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल या उसके निर्देशांक ज्ञात करने का प्रश्न आता है, उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा और ऐसे अन्य प्रश्नों को भी करके अपने अभ्यास को अच्छा करिएगा। आते हैं अब अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमें क्या करना है। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में हमने आपको 3 समीकरण दिए हैं और आपसे कहा है कि समीकरणों को हल किए बिना, अर्थात हमने आपके पास इस तीनों भाग में एक प्रतिबंध लगा दिया कि समीकरण हल नहीं करने हैं, अर्थात किसी भी विधि से समीकरण हल करके xy का मान ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्ञात क्या करना है, आपको सिर्फ ये बताना है कि इन समीकरणों से जो रेखाएं निरूपित होंगी वो कैसी होंगी, उनका प्रकार कैसा होगा, प्रतिच्छेदी, समांतर या समपाती। तो हमने बच्चों बताया था कि ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, देखिए पहले भाग में जैसे हम इसको आपको करके दिखाएं, तो 5x माइनस 8y माइनस 4y सॉरी पहला भाग करके देखते हैं, 5x माइनस 4y प्लस 8 = 0, और दूसरा है 7x प्लस 6y माइनस 9 = 0। तो सबसे पहले आप a1 लिख दें कितना आएगा, b1 लिख लें और फिर c1 लिख लें, फिर a2 लिख लें, b2 लिख लें और c2 लिख लें। बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, मैंने हर बार आपको बताया है कि जो ये अचर पद है उसको एक तरफ ही कर लें, अर्थात बराबर के इक्वल साइन के बाद जो संख्या लिखी हो वो शून्य ही लिखें, इससे आपको प्रश्न कभी गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। A1 का मान x का गुणांक 5, y का गुणांक पहले समीकरण में -4 और 8, फिर यहां पर क्या आएगा 7, ये हो गया 6 और ये हो गया -9। अब आप a1/a2 का मान ज्ञात करें तो क्या मिल रहा है, 5/7। फिर आप निकालें b1/b2 -4/6 जो कि कैंसिल आउट होगा और आपको मिल रहा है विभाजित होने के बाद, दोनों ही संख्याएं 4 और 6 किससे विभाजित हो रही है बच्चों, 2 से, तो -2/3 -2/3। अब आपको c1/c2 निकालने की आवश्यकता यहां नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें यही ज्ञात हो गया कि a1/a2 और b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है, और यह किसकी प्रतिबंध होता है, किस कौन सी स्थिति होती है जब हमें कौन सी रेखाएं प्राप्त होती थी, मैंने बताया प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अर्थात इसका मतलब यह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन होगा, अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल के लिए कौन सी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आसानी से ज्ञात कर लिया बच्चों आपने, बहुत आसान है। आइए हम लोग इसके दूसरे भाग को भी देख लेते हैं, प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग। देखिए दूसरा भाग क्या कहता है, 6x माइनस 3y प्लस 10 = 0, और फिर लिखा है 2x माइनस y प्लस 9 = 0। क्या निकालेंगे आप, सबसे पहले बच्चों हमने बताया a1 6 हो गया, b1 माइनस 3 पहले समीकरण में x और y के गुणांक, और फिर c1 अचर पद, फिर दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक -1 और अचर पद
9, ठीक है बच्चों। अब आप a1 अपॉन a2 निकालेंगे, कितना आएगा 6 अपॉन 2, कितना हो गया 3 अपॉन 1, क्योंकि 2 से 6 विभाजित हो जाएगा। फिर आप निकालेंगे b1 अपॉन b2, कितना होगा बच्चों -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा और आपको मिलेगा 3 अपॉन 1। अब आप देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर हैं, तो अब हमें आवश्यकता है किसकी, c1 अपॉन c2 की, और वो बच्चों कितना है 10 अपॉन 9। मतलब यहां प्रतिबंध क्या ज्ञात हुआ कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर है, परंतु ये दोनों c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो इनसे कौन सा प्रतिबंध होगा, कौन सा प्रतिबंध हुआ बच्चों इससे, इससे हमने ज्ञात किया कि ये कौन सा होगा, असंगत हो जाएगा, अर्थात क्या होगा, समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। देखिए हमने आपको अभी इसके पहले चार्ट में भी दिखाया था, समांतर रेखाओं का प्रतिबंध हमने क्या लिखा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या प्राप्त हो गया, समांतर रेखाएं। और यदि आपसे कहा जाए कि इसका हल कैसा होगा, तो आप लिखेंगे नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा, समांतर हैं तो एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेंगे, इसलिए क्या होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आइए अब हम एक और भाग देख लेते हैं। बहुत जल्दी से तीसरे भाग को, इस समीकरण में बच्चों देखिए a1 की जगह कितना है, सीधे लिखते हैं 9 दिया है, b1 की जगह 3 दिया है और c1 की जगह 12 दिया है, a2 की जगह 18 दिया है, b2 की जगह 6 दिया है और c2 की जगह 24 दिया है। तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा बच्चों, 9 अपॉन 18 कैंसिल आउट हुआ तो 1/2, b1 अपॉन b2 निकालेंगे आप 3/6 कैंसिल आउट 1/2, c1 अपॉन c2 निकालेंगे 12 अपॉन 24 कैंसिल आउट 1/2, अर्थात a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों बराबर हो गए तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, कैसी, को इंसिडेंट लाइंस होंगी, और जब को इंसिडेंट लाइंस होंगी तो क्या मिलेगा मुझे, को इंसिडेंट लाइंस होंगी तो क्या मिलेगा हमें, समपाती रेखाएं होंगी तो क्या मिलेगा, अगर हल पूछा जाए, रेखा तो आपने बता दी समपाती है, लेकिन यदि क्या हो जाए इसमें पूछा जाए हल कैसा मिल रहा है, तो आप हल कैसा बताएंगे बच्चों, आप कहेंगे कि इस रूप समीकरण में हमें अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिख सकते हैं, इट मींस इट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये सिस्टम कैसा होगा, आश्रित डिपेंडेंट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आज एक और प्रश्न लेते हैं, और यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यहां से हम सीखेंगे कि समीकरण बनाया कैसे जाए। अब आप देखेंगे एक प्रश्न लिखा है और इस प्रश्न में हम लोगों से एक समीकरण बनाकर हल करने की बात होगी, लेकिन प्रश्न बहुत मजेदार है बच्चों, सभी लोग का पसंदीदा खेल, हमारे देश में बड़ा लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे, और उसके बाद उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, तो हमारे पास 2 स्थितियां दी हैं और कहा जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप कुछ नहीं करिए, आप सबसे पहले लिखिए माना बल्ले का मूल्य, आप कितने बल्ले का मूल्य निकालना चाहते हैं, 1 बल्ले का, तो माना 1 बल्ले का मूल्य कितने रुपए, x रुपए हमने ले लिया, और इसी प्रकार 1 गेंद का मूल्य कितना ले लेंगे बच्चों, आप y रुपए ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपसे कहा अगर 1 बल्ला x रुपए का है तो 7 बल्ले कितने के होंगे, कितने के होंगे, 7x हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा 7x। ये प्रथम स्थिति है, प्रथम स्थिति, पहली स्थिति में हम समीकरण बनाएंगे, 1 बल्ला x, 2 बल्ला 2x, 3 बल्ला 3x, तो 7 बल्ले 7x, इसी तरह से 1 गेंद y की तो 6 गेंदे 6y की, और दोनों के दाम मिल जाएंगे तो कितने रुपए का मूल्य हो जाएगा 3800। ये हमारा प्रथम समीकरण हो गया। अब हम दूसरी स्थिति में आते हैं, द्वितीय स्थिति, द्वितीय स्थिति वो क्या कहती है,
द्वितीय स्थिति ने क्या कहा हमसे, ये प्रथम स्थिति, अब द्वितीय देखिए, तीन बल्ले, देखिए यहां लिखा है तीन बल्ले और पांच गेंदे हैं, तो एक बल्ला एक्स का, तो तीन बल्ले तीन एक्स, एक गेंद वाई की, तो पांच गेंदे पांच वाई, और दोनों मिलकर 1750। ठीक है बच्चों, अब हमें इन दोनों को हल करना है। मैंने आपसे कहा था कि विधियां बहुत सारी हैं, लेकिन ग्राफ विधि या वज्रगुणन विधि या प्रतिस्थापन विधि थोड़ा समय ज्यादा लेती है, तो आसान तरीका क्या है, हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, एलिमिनेशन मेथड का। और उसके लिए हमने क्या कहा था कि हम ये तय कर लेंगे कि कौन सा हमें अचर पद हटाना है, कौन सा अचर पद हमें विलोपित करना है, इलिमिनेट करना है। तो हम y को इलिमिनेट करते हैं, उसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि समीकरण एक में दो वाले के गुणांक से, तो पांच से गुणा करिए, और समीकरण दो में किससे, पहले वाले के, तो छह से, और देखिए दोनों प्लस में हैं तो हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, हमें घटाना पड़ेगा, तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग यहां हल करेंगे। पहला समीकरण जब हम गुणा करेंगे किससे, पांच से, तो पांच गुणे सात करेंगे तो 35x आएगा, फिर 5 से 6 का गुणा होगा तो 30y आएगा, और 5 से 3800 को गुणा करेंगे तो बच्चों 40 गुणे 5 200 होता है, तो उससे 10 कम हो जाएंगे, मतलब 19000, जीरो तो आप लगा ही लेंगे। इसी तरह से इसको जब आप गुणा करेंगे बच्चों किससे, 6 से, तो ये कितना हो जाएगा 18x, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 30y, और बराबर में हमें कितना मिलेगा 1750 को जब हम लोग गुणा करेंगे किससे, 6 से गुणा करेंगे, तो आप देख लीजिए कितना हो रहा है, देख लीजिए कितना हो रहा है, सीधी से आसानी से निकाल लेंगे तो 10500 आ जाएगा बच्चों। और देखिए हमने घटाने को कहा है तो चिन्ह बदल दिए, ये वाला समान होकर कट गया, और ये यहां से हल होकर कितना आएगा 17x, और जब आप यहां घटाएंगे तो 8500 आएगा, तो x का मान कितना हो गया, 17 से आप 8500 को जब भाग देंगे तो कितनी बार विभाजित होगा, 5 बार, मतलब 500 रुपए, तो x का मान कितना हो गया 500 रुपए। इस x के मान को हम समीकरण एक में रख लें या समीकरण दो में रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। हमने समीकरण एक में लिख दिया तो 7 गुणे 500 प्लस 6y बराबर 3800, तो ये हो गया बच्चों 3500 प्लस 6y बराबर 3800, और आपको यहां से 6y जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 300, इसका मतलब y का मान कितना हो गया बच्चों 50, अर्थात बल्ले का, एक बल्ले का मूल्य कितना है, एक बल्ले का मूल्य हमारे, हमने कितना निकाला 500 रुपए, और एक गेंद का हमने मूल ज्ञात किया 50 रुपए। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, समझ में आ रही बात आपके, कितनी आसानी से हमने समीकरण बनाया। तो बच्चों जब भी आपको इस तरह के शाब्दिक प्रश्न ज्ञात होंगे मिलेंगे, इसमें आपको हमेशा दो स्थितियां दी जाएंगी, और उन दो स्थितियों के समीकरण, दोनों स्थितियों का अवलोकन करने के पश्चात आप अपने समीकरणों को बनाएंगे, निर्माण करेंगे, और समीकरण बनाने के बाद आप चाहे किसी भी विधि से उसको हल कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न बच्चों आपकी एनसीईआरटी की किताब में बहुत सारे हैं, आप उसको लगाइए। हम लोग अगली कक्षा में जब आपसे मिलेंगे तो हम इस बारे में और कुछ प्रश्नों को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे, किसी और प्रकार को लेकर चर्चा करेंगे, और कुछ और महत्वपूर्ण भी होंगे वो प्रश्न बोर्ड की दृष्टि से, तो आप उसका अभ्यास करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। आज की क्लास में मैंने पीछे का रिवीजन के साथ ये पार्ट पूरा किया है। होमवर्क के तौर पर ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो वज्रगुणन विधि से आपको हल करना है, और इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में आपके साथ चर्चा की थी। यह आपका गृह कार्य है। इस समीकरण को आप लोग कैसे हल करेंगे, वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। यदि कोई समस्या होगी तो आप जरूर अपनी इस पे चर्चा पिछले वीडियोस को देख करके निकालें और हल करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।